दोस्तों सच में आज की वीडियो सबसे अलग होने वाली है, एकदम यूनिक वीडियो है। यहाँ पर एक कजोड़ मीना भाई हैं, ये मेरे पास बहुत सारे कमेंट कर चुके थे कि 1000 क्रिप्टो पंक्स कैसे बनाए मोबाइल से। तो उनके लिए मैं बहुत ज्यादा रिसर्च किया, बहुत ज्यादा इस टॉपिक पर मैंने मेहनत की, तब जाके कहीं मुझे ऐसा तरीका मिला है जो कि आप अपने मोबाइल से बहुत इजीली यूनिक क्रिप्टो पंक्स यहाँ पर आप बना पाएंगे। और दोस्तों लास्ट में हम आपके साथ एक टिप्स भी शेयर करेंगे जिनकी मदद से आप बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी क्रिप्टो पंक्स को आप बना पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आर्डन स्किल के एक और नए फ्रेश वीडियो में। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही होगा अर्निंग स्किल, पार्ट टाइम, फुल टाइम जॉब और साथ ही आपको एनएफटीज, ब्लॉकचेन से रिलेटेड जेन्युइन वीडियोस मिलती रहती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, यह एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगा, इसके बारे में आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि सबसे पहले आपको यह सीखना होगा कि 10,000 क्रिप्टो पंक्स एनएफटीज किस तरीके से बनाया जाता है, उसके लिए आपको कितने लेयर्स बनाने होंगे। आपको फिलहाल वीडियो के लास्ट तक पता ही चल जाएगा कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है और कहां से आप इसे बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अब आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, एक है क्रिएट न्यू का, उसके बाद ओपन का ऑप्शन आएगा, क्यूट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर हमें क्रिएट न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा इसका साइज कितना रखना है आपको। इस तरीके से यहाँ पर आपको हाइट और विड्थ में यहाँ पर आपको 50-50 कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ टिप्स आएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से आपको टूल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसे फर्स्ट बार यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इसे अलाउ नहीं करना है, यानी कि इनेबल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो भी टूल्स आ रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर जो पॉप आया है इसे यहाँ पर हम कट पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। अब यहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक बार उसका टिप्स मिल जाएगा कि इसका क्या यूजेज है, किस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इस साइड कलर वाले ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप प्लस वाले बटन पर क्लिक करके कोई भी एक कलर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप रैंडम कलर चाहते हैं या फिर कस्टम कलर चाहते हैं वो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप इस पर क्लिक करके ऐसे से करेंगे तो ये आपका जो लेयर है ये आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमता हुआ आपको दिख जाएगा। जहाँ पर आपको रखना है वहाँ पर आप कर सकते हैं। फिलहाल आप इसे अपने फिंगर से भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस तरीके से डबल फिंगर रखकर आप जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। अगर आपको जूम करना है और जूम आउट करना है तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब ये जूम हो जाएगा, इस साइड ले जाएंगे और यहाँ पर अगर करेंगे इस साइड तो ये जूम इन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आप जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आपका लेयर मिल जाएगा, यहाँ पर आप प्लस वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आप बहुत सारे लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी लेयर आपको क्रिएट करने होंगे। अगर आपको कोई भी लेयर डिलीट करना होगा या फिर लॉक करना होगा तो यहाँ पर आप उस लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट लेयर का, इस पर क्लिक करके यस पर क्लिक कर देंगे तो आपका लेयर डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने लेयर्स को हाइड कर सकते हैं, लेयर को लॉक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। रीनेम कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके जो भी लेयर का आप नाम रखना चाहते हैं यहाँ पर आप रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बैकग्राउंड रख देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर आपको अपने लेयर का नाम रख लेना है। यहाँ पर मेरे लेयर का नाम यहाँ पर सेट हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपको जितनी ज़्यादा एनएफटीज बनानी होंगी आपको उतने ज़्यादा लेयर रखने होंगे ताकि आपकी सारी एनएफटीज यूनिक दिखें, अलग अलग दिखें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस साइड बहुत सारे यहाँ पर आपको टूल्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको पेन टूल मिल जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने पेन से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी बना सकते हैं, जो कि अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है पेन टूल, क्योंकि पेन टूल की मदद से हम कोई भी आर्ट, कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा कलर वाला, इस कलर वाले के ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप कलर फिल कर सकते हो। कोई भी आप एक गोला बनाएंगे या फिर सर्कल बनाएंगे, उस सर्कल में आप कलर बहुत ही आसानी से फिल कर पाएंगे। आपको एक एक करके कलर फिल नहीं करना होगा, डायरेक्टली आप बहुत ही आसानी से कलर फिल कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज होने वाला है वो है यहाँ पर आपका इरेजर, इस पर क्लिक करके आप कोई भी चीज़ इरेज कर सकते हैं, यानी कुछ आप मिटा सकते हैं, गलत हो गया है तो आप इसे जानते भी होंगे। तो इस तरीके से ये काम करेगा। यहाँ पर आपके सामने लेयर का ऑप्शन आएगा, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके लेयर दिखने लगेंगे कि कितने लेयर अभी तक आपने क्रिएट किए होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने अभी मैंने एक सर्कल बनाया है या फिर एक गोला समझ लो, तो यहाँ पर इस लेयर में शो हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका लेयर हाइड हो जाएगा और यहाँ पर आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके अपने लेयर को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर मिल जाएगा कलर वाला ऑप्शन, जो कि यहाँ पर आपको इस साइड से मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अपना कस्टम कलर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आप प्लस यानी कि फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इसकी गैलरी में कुछ यहाँ पर आपको इमेजेस मिल जाएंगे, उन सारे इमेज को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, इस तरीके से जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्शन टूल का, इस पर आप क्लिक करके कोई भी ऑप्शन को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मुझे इसे सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप इस तरीके से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसे आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आप सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करके कहीं पर भी कट कर सकते हैं, उसे रख सकते हैं। जितना भी आपको लेना हो उतना यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल का यूज़ करके। जैसे मुझे यहाँ पर इसका आधा बॉक्स लेना है तो यहाँ पर मैं इतना क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसे हटा दूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको अपने सिलेक्शन टूल का यूज़ करना होगा। अगर यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने क्रॉप करना हुआ, कॉपी पेस्ट करना हुआ, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपके दिख जाएंगे। ये सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस आपको बस एक आइडिया बता रहा हूँ किस तरीके से आप अपने क्रिप्टोपंक्स के लेयर को क्रिएट कर पाएंगे, ताकि अभी आप 1000 या फिर 10,000 NFTs को बहुत ही आसानी से आप बना पाओ। तो अगर आप इसे बहुत बार यूज करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे, तो यहाँ पर आप इसे बहुत ही अच्छे से यूज कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप कोई भी चीज़, मैं पेन टूल ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आपके सामने सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने पेन की साइज को बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैं इतना कर देता हूँ 6 पर। अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो इतना मोटा ड्रॉ हो रहा है। अगर उसके बाद यहाँ पर मैं इसे 1 पर कर दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं इसे 1 पर कर लेता हूँ और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखो इस तरीके से कुछ ड्रॉ हो रहा है। अब यहाँ पर हम कुछ लेयर को ऐड करके एक क्रिप्टो पंक्स यहाँ पर तैयार करेंगे, बहुत सारे लेयर्स क्रिएट करेंगे ताकि हम 1000 NFTs को बहुत ही आसानी से बना पाएं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना होगा पेन टूल, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको लेयर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप लेयर हाइड भी कर सकते हैं, मैं हाइड कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर हमने पेन टूल की हेल्प से यहाँ पर एक आर्ट ड्रा कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके दूसरे लेयर में इसमें कलर फिल कर लूँगा। और यहाँ पर मैं आइज हुआ, कैप हुआ, इसका ईयर हुआ, वो सब यहाँ पर अलग अलग लेयर में मैं इसे रख लूँगा। तो यहाँ पर मैंने एक नया लेयर क्रिएट कर चुका हूँ। इस तरीके से यहाँ पर हमने एक लेयर में इसका आँख बना लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं प्लस वाले बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसका एक में लिप्स बना लूँगा। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को ड्रा कर देते हो तो आप भूल जाते हो कि हमने किस लेयर में कौन सा चीज़ ड्रा करा हो। तो यहाँ पर आप डबल टैप करके हाइड कर देंगे तो वो चीज़ नहीं देखी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर गायब हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम डबल टैप करेंगे तो इसका यहाँ पर माउथ गायब हो गया, यानी कि लिप्स गायब हो गया। उसके बाद मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी गायब हो जाएगा। यहाँ पर हमारे सामने 21 लेयर बन चुके हैं। चलिए हम इसे सेव करते हैं अपने फाइल में। उसके लिए यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा सेटिंग के ऑप्शन पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट लेयर, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप एक्सपोर्ट लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे, तीन फॉर्मेट आ जाएंगे। उन तीनों फॉर्मेट में आप अपने इस NFTs के लेयर को आप सेव करके रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा आपको यहाँ पर नीचे वाले लेयर्स को ही सपोर्ट करिएगा, इसे सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि जब यहाँ पर आप बीच वाले को करेंगे तो यहाँ पर सारी NFTs आपकी एक ही पिक में हो जाएंगी। तो आपके जितने भी लेयर हैं वो एक ही पिक में हो जाएगी, तो ऐसे में आपका वहाँ पर 10,000 या फिर 1,000 NFTs क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फाइल सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फाइल सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन मिलेगा ओके का, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। अपने सारे लेयर्स को सेव करने के बाद यहाँ पर आपको डायरेक्टली अपना फाइल मैनेजर ओपन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा फ़ोन स्टोरेज का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा एंड्रॉयड का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक फोल्डर मिलेगा डेटा का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप डेटा के फोल्डर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे फोल्डर आ जाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपके सामने व्यू का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एंड्रॉयड का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप एंड्रॉयड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने डेटा का ऑप्शन आ जाएगा, फिर से यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा
com.pixelstudio, तो यहाँ पर आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा फाइल का, इस फाइल वाले फोल्डर को आपको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने फिर से एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्टेड लेयर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्सपोर्टेड लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने जितने भी लेयर अभी बनाए थे वो सारे लेयर यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे, वो सारे लेयर यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लेयर्स को क्रिएट करने के बाद उस लेयर वाले फोल्डर को एंड्रॉयड फोल्डर से बाहर निकालने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी, यहाँ पर आपको अपना इंटरनेट ऑन करना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं मिंटेबल क्लब, या फिर आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वाली वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने तीसरे नंबर पर वेबसाइट दिख रही है mintable.club, तो यहाँ पर आपको इस वाले वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको ज़्यादा सही रहेगा कि अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आएंगे तो यहाँ पर आपको कहीं पर नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्टली आप इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक काम करना होगा, यहाँ पर आपको ऊपर 3 डॉट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा डेस्कटॉप का, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा I am a creator, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। I am a creator के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा साइन टू क्रिएट योर ऑन NFT कलेक्शन, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं डोंट हैव एन अकाउंट, तो यहाँ पर आपके सामने क्रिएट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको एक यूज़र नेम डाल देना है, एक ईमेल एड्रेस डाल देना है, पासवर्ड डालकर I am not a robot पर क्लिक करके एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको यूज़र नेम थोड़ा यूनिक रखना है ताकि वो यूज़र नेम किसी का ना हो। उसके बाद यहाँ पर आपको I am not a robot पर क्लिक करना है, उसके बाद साइनअप के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप साइनअप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका इससे लॉगिन हो जाओगे, आप यहाँ पर आप साइनअप कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा ऐड ए न्यू प्रोजेक्ट का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ऐड न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस साइड में आपको लेयर्स के ऑप्शन दिख जाएंगे, ग्रुप्स के ऑप्शन दिख जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन में ग्रुप आएगा, मैं इस ग्रुप वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस ग्रुप का नाम डाल देना है, यहाँ पर आप कोई भी नाम रख सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर हमने ऐड एंड स्किल नाम रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटर दबा देना है तो यहाँ पर आपका ग्रुप बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस ग्रुप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ग्रुप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक लेयर का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। प्लस लेयर वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जितने भी NFTs के लेयर्स बनाए हैं उन सारे NFTs के लेयर्स के नाम यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जैसे कि आपका बैकग्राउंड, आपका कैप हो गया, आपका लेग्स हो गया, फुट हो गया, इस तरीके से यहाँ पर आपका माउथ हो गया, लिप्स हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने बैकग्राउंड का नाम या फिर अपने लेयर्स का नाम यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट डाल देते हैं बैकग्राउंड। उसके बाद यहाँ पर आप अगर इस पर क्लिक करेंगे, इंटर दबाएंगे तो यहाँ पर आपका बैकग्राउंड क्लिक हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड वाला लेयर आ चुका है। यहाँ पर आप ऊपर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना लेयर देख सकते हैं, अगर आपको कोई लेयर शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको ऊपर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप इजीली अपना लेयर देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, यहाँ पर आप 3 डॉट देख रहे हैं ना, इस पर क्लिक करके बहुत ही आसानी से आप देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं ऐड एन स्किल में बैकग्राउंड नाम का एक नया लेयर ऐड हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने बैकग्राउंड का ऑप्शन आ चुका है। अगर यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने नीचे एक फाइल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ भी यहाँ पर आपके सामने जितने भी बैकग्राउंड थे उन सारे बैकग्राउंड को यहाँ पर ला कर आपको अपलोड कर देना है। इसलिए हमने यहाँ पर बोला था कि आपको सारे इमेजेस को उस एंड्रॉयड फाइल के ऑप्शन से यहाँ पर आपको बाहर निकाल लेना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों यहाँ पर आपको सभी लेयर्स में NFTs आर्ट को अपलोड करने के बाद एक बार यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। यहाँ पर आप कोई भी बैकग्राउंड डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने माउथ में देखो एक मेरा माउथ आ गया है। लिप्स में यहाँ पर मैंने लिप्स को अपलोड कर चुका हूँ। ईयर में यहाँ पर हमारा ईयर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आइज आ गया है। उसके बाद यहाँ पर एसेसरीज आ गया है। ये तरीके हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर अपने NFTs के लेयर को यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना, नीचे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरेट इमेज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे ही आप जनरेट इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि यहाँ पर आप कितनी NFTs चाहते हैं, कितनी NFTs क्रिएट करना चाहते हैं एक साथ में। तो यहाँ पर 10,000 NFTs पहले से सिलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 100 NFTs यानी कि 100 NFTs मैं क्रिएट करना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैंने 100 NFTs को डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा जनरेट का, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये हमारा NFT जनरेट हो रहा है।
अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे NFT यहाँ पर जनरेट हो चुकी है और यहाँ पर हमारे फाइल में डाउनलोड भी हो चुकी है, ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाती है। यहाँ पर हम बैक आएंगे और अपने फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारा ये रहा फाइल मैनेजर, मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं डाउनलोड वाले सेक्शन में जाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक प्रोजेक्ट जिप वाला फाइल आ चुका है। इस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, यानी कि इसे ओपन कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इस फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एडन स्किल। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट फाइल, तो यहाँ पर आपको ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी फाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर आप अपने गैलरी ओपन करेंगे या फिर फोटोज़ वाले सेक्शन ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक फोल्डर बन चुका होगा जिसमें आपको सारे NFT दिख जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज वाला फोल्डर बन चुका है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने वो सारे NFTs आ चुकी हैं जो कि मैंने अभी क्लिप बनाया हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी NFTs यहाँ पर आपको अलग अलग दिखेगी। वहाँ पर आपको एक बात को ध्यान रखना होगा कि आपके जो NFTs हैं, आपके जो NFTs की लेयर हैं, वो आपको सही सही डायरेक्शन में सही सही नाम में आपको सेव करना होगा, तभी जाके आपकी NFT बढ़िया बन पाएगी। और वहाँ पर आपको एक ही लेयर को दोबारा अपलोड नहीं करना है, नहीं तो आपके जो लेयर है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा तो आपका NFT गलत हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक लेयर को सिर्फ आपको एक ही बार में अपलोड करना है। वहाँ पर अगर आप दो दो लेयर को अपलोड कर दोगे तो आपके सामने दिक्कत हो सकती है, वहाँ पर कहीं फिर आपका बैकग्राउंड गायब हो जाए। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे लेयर डबल हो चुके थे, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए बस यहाँ पर अपलोड करके और वहाँ पर जनरेट पर क्लिक कर दिया।